ये ग्राम है बस्तौली, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी, और आप प्रगतिशील कृषक हैं सरदार अमृत पाल सिंह जी। और ये जिस खेत में खड़ा हूँ, देखिए इसमें गन्ना बोया है ट्रेंच विद से 4 फीट की दूरी पे, चार फीट की दूरी पे, और उसमें मेढ़ों पर ये सरसों लगाई गई थी शरदकालीन गन्ने के साथ में। इसकी कटाई होने के बाद इससे थ्रेसिंग की गई है, ये कंबाइन थ्रेसर है। ये 2 एकड़ अगर आपका खेत है, पहले सरसों काट के मुठ्ठे रख दिए श्रमिकों ने, 5-6 दिन इसको सुखा दिया, सुखाने के बाद खड़ी भी कटी है खड़ी। तो अभी तो देखिए श्रमिकों ने काट के मेढ़ पे रख दिया, 3-4 दिन सूख गया, उसके बाद थ्रेसिंग करा दी। खड़ी भी कट सकती है क्या? हाँ जी, खड़ी भी कट सकती है। अच्छा, खड़ी उसमें ये है कि जैसे गन्ना है तो वो कट सकता है। अच्छा, गन्ना ना बोया हो, केवल सरसों हो, अच्छा उसमें कट जाएगी। अच्छा, गन्ने में नहीं कट सकता, गन्ने में, गन्ने का पौधा, गन्ना का पौधा कट जाएगा। 2 एकड़ है तो इसमें कितना समय लग गया? लग गया 1 घंटे। 1 घंटे में 2 मजदूरों से अगर यही काम करवाते जो मशीनरी से आपने कर लिया है, लगभग लग जाते 15 से 20 लेबर लग जाते, एक दिन में काम कर लेते 2000 रुपए लेते हैं और 1 घंटे में आपका कट गया। और श्रमिकों का कितना रेट लग जाता? 30 श्रमिक तो लग ही जाते 2 दिन में। हाँ जी, लगभग 6000, आपका 4000 बच गया। देखिए फायदे फायदा है। आपने गन्ना इसे कुछ नहीं नुकसान हुआ? नहीं, गन्ने में नुकसान नहीं। इसको सर उठा के घर ले जाते, फिर निकालते, टाइम लगता है, समय बच गया। जी, समय बच गया। आप इसको फास्ट काम कर सकेंगे। अब इसकी गुड़ाई करके इसमें पानी लगा देंगे।